वेलकम मेरा हाँ तो ही ने अदालत थी सके तो जेकरे हुकूमत उन ते अमल न थी करे और हुकूमत जेको आए उन ते न थी करे ते नसा तो ही ने अदालत थींदी और हुकूमत जेको आए करारदाद पास करे इन जी अहमियत भी तलामती होंदी न छा जो ना सो पहिरियों मीर साहब डॉक्टर साहब जेका गाल कई जजेस ए मिलिट्री जी गड जोड़ जी उन ते मा थोड़ो उन जी एडिशन में एकड़ी गाल कंदम के तारीख गवाह है तो जजिस की डिसऑनेस्टी से असा के हमेशा नुकसान थो इन मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट जडे भी डिक्टेटरशिप सोचो इन जजिस की डिसऑनेस्टी की वजह से उन्होंने क्लियर पैसेज मिलो इन जजिस ही उन्होंने रस्तो ठाए दिनों तुम जो भी जजमेंट खड़ो माजी में जजिस जडे अखियो बंद कर वेही रहा या एस्टैब्लिशमेंट के को लेजिटिमेसी खपी हुई तो यही कोर्ट्स हुई जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ते हैं हर तरीके से रस्तो कड़ी दी एस्टैब्लिशमेंट्स के यो सिलसिलो 2018 हल्दो रहो उन पेरियों जिन्हें पनामा में नवाज शरीफ साहब के कढ़ियो वो 2018 में इलेक्शंस थियूं उन दिन तीन यो सिलसिलो हल्दो रहो अज जजिस डिसऑनेस्ट आन लेकिन कें बे मानू सा बीठा ठीक है तो यह एस्टैब्लिशमेंट जो ही गलतियों जो इन इंस्टीट्यूशन के ठहन न दिनों इन इंस्टीट्यूशन के एतरो स्ट्रॉन्ग न थन दिनों कि अज अस अगर वो सिलसिलो हल्दो रहे उनकी इंडिपेंडेंस जो अज अस ये सब सवाल न खड़ो आ फर्ज क्यों तड़ी मिसाल दें तो कि चीफ जस्टिस की सुओ मोटो की पावर हुई जी रूल्स हुआ कि चीफ जस्टिस अकेलो ही सुओ मोटो खणो अकेलो ही बेंच ठाइंदो ए उनके आर्टिकल 184(3) में डिस्क्रेशनरी पावर्स इन कि कें भी इशू ते ह्यूमन राइट्स के नाले ते फैसलो दई सके थी सुप्रीम कोर्ट मां माजरत सा असा लाए एस्टैब्लिशमेंट आर्मी सबिन दाडियों कुर्बानी दिन लेकिन इयो हमेशा आर्मी को टूल के तहत यूज कियो सो मोटो पावर उन जो आखरी वेपन हुंदो इन मुल्क में कि जने को भी हरबो ना हलदो ते एको चीफ बैठो आने के चंदा से पांच पसंद जजेस बेंच ठाए जो भी मर्जी ऑर्डर पास कर अज उन पावर्स के पार्लियामेंट के थ्रू क्लिप किया वो मन कुफर टूटा खुदा खुदा करके मां उम्मीद कदम चीफ साहब जो इन स्ट्राइक डाउन न कंदो इन ये पावर्स हमेशा लाए क्लिप्ड रहंदा छो तो हाने मुल्क दिठो आ कि इन पावर्स की वजह से केतरो सफर किया हाँ गाल अचूं जो तुम सवाल पुछो जो रेजोल्यूशन पास थी असेंबली में उन रेजोल्यूशन में उन रेजोल्यूशन की आइनी इन कानूनी हैसियत का भी ना है इवन आर्टिकल 68 आ कॉन्स्टिट्यूशन जो वो यो चाहे तो कि कें भी जज सुप्रीम कोर्ट जो या हाई कोर्ट उन कॉन्डक्ट के खिलाफ फ्लोर ऑफ द हाउस से डिस्कशन नथी थी सके ठीक है मां पान सभी का वो मुखालिफ आए इन वक्त जो जजिस जो कॉन्डक्ट आ उन्होंने इवन पनामा का जो उन्होंने ड्रामो मजाक ठहराय पंच सुप्रीम कोर्ट जो अज दिन ताई जो डिसऑनेस्टी थे थी जिन तरीके से बेंचेस ठहन थी लेकिन छो तो मैं कानूनदान मां चाहे तो कानून की क्लियर पोजिशन ऑन ग्राउंड अचे ताकि असें खबर पे कि अदर साइड वट भी कड़ा ऑप्शनस तो यह डिस्कशन कानून तौर पर नथी थी सके हाँ पा यो सवाल थे तो कि रेजोल्यूशन की वैल्यू थी सके कैबिनेट एंड फेडरल गवर्नमेंट यो कोशिश करे थी असा कें तरीके से ऑर्डर की नॉन कंप्लायंस क्यों उन नॉन कंप्लायंस डिफेंस लाइ कुछ तो लेजिटिमेसी खपे कुछ तो बुधाने लाइ खपे तो उनके जवाब खपे कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स नेशनल असेंबली में उन सभी यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कई कि ही ऑर्डर ना इम्प्लीमेंट करो तो इनकी न्यूसेंस की वैल्यू तो होंगी ए कैबिनेट के फेडरल गवर्नमेंट के थोड़ी सपोर्ट कंदी अगर नॉन कंप्लायंस करना चाहिंदा लेकिन अगर असा स्ट्रोक कानून की नज़र में दिसूं इनकी का भी हैसियत ना है यो कंटेम्प्ट हों हाँ गवर्नमेंट वट कड़ा ऑप्शन मुख्य तो फिलहाल कुछ नज़र न तो अचे एंड जो एकड़ी डेडलॉक की सूरत हाल है यो भी वो सवालिया निशान हों इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन से एंड के इलेक्शन जो अगर पंजाब की इलेक्शन पेरियों थी वे तो बाद में जो नेशनल असेंबली इलेक्शन थी उन असेंबली के इलेक्शन से पंजाब की गवर्नमेंट असरअंदाज न थी वो सवाल है इंडिपेंडेंस से तो अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन एक पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन करे थी कि 63A में वोट तो काउंट करना है
लेकिन माण्हू पार्टी खे वोट ॾींदा आहिनि, इन करे माण्हू मेंबर खे पार्टी डायरेक्शन फॉलो करणी आहे। कानून में अहिड़ो लिखियलु न हो, उन्हनि एक्सपेंड कयो इंटरप्रिटेशन खे। त हिन वक़्त बि सुप्रीम कोर्ट खे एटलीस्ट जेका इलेक्शन जी फेयरनेस आहे उनखे ज़रूरु साम्हूं रखी हिकिड़ी सुठी इंटरप्रिटेशन असां सुप्रीम कोर्ट खां एक्सपेक्ट कयूं था, बजाए इन जे की हिकिड़ी सफ़ा स्ट्रिक्टली टेक्स्चुअलिस्ट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अडॉप्ट कई की न जेको बसि लिखियलु आहे इहो ईअं थियणो आहे। सुप्रीम कोर्ट हालांकि जजिस जे अंदरां ई आवाज़ूं थियूं की इहा असेंबली ग़लति तरीक़े सां डिज़ोल्व थी, असेंबली डिज़ोल्व करण जो को रीज़न न हुयो प्रैक्टिकली, इन असेंबली सियासी वजूहात जी वजह सां डिज़ोल्व कई वई की नेशनल असेंबली लाइ इलेक्शन जा प्रेशर्स थियनि, हिकिड़ी जनरल इलेक्शन सॼे मुल्क में थी वञे, एंड उन जे फौरन पोइ सियासी वजूहात उहे जेके मक़ासिद हुया उहे कामयाबु न थिया, त हाणे चवनि था बसि जल्दी इलेक्शन करायो। त इहे आवाज़ जजनि मां ई आया जेके चीफ जस्टिस जी तरफ़ां दॿायो वियो, इन्हनि आवाज़नि खे उन्हनि एंटरटेन न कयो। त लीगली जेका ॻाल्हि आहे उहा आहे गवर्नमेंट वटि हिन वक़्तु ऑप्शन कोन्हे को। सही, हिकिड़ो सियासी तनाव त पंहिंजी जॻह ते आहे, जीअं त पाण चयो था डेडलॉक आहे, हिकिड़ो प्रेशर गवर्नमेंट ते बि आहे, ऐं इमरान ख़ान बि कोशिशि इहा ई करे पियो त प्रेशर थिए उन्हनि जे मथां, ऐं असां हिकिड़ी जनरल इलेक्शन ॾे वञूं। जनरल इलेक्शन त कोन थी थी वञे पंजाब जे अंदरि, जीअं तव्हां पाण चयो त पंजाब जे अंदरि जेकॾहिं गवर्नमेंट ठहे थी, सुभाणे जेकॾहिं टाइम ते पंहिंजे ते जनरल इलेक्शन थिए थी, त पोइ इहा शफ़ाफ़ियत किथे हूंदी? उन ते वॾो क्वेश्चन मार्क हूंदो। बिल्कुल जी मिर साहब, मां अॻु में बि इहा ई ॻाल्हि कयमि की पाकिस्तान जी तारीख़ में मूंखे त यादि न आहे कंहिं वक़्त बि पूरे मुल्क जूं या सूबनि जूं ऐं वफ़ाक जूं जनरल इलेक्शन्स अलॻि अलॻि वक़्त ते थियूं हुजनि। इहो एक्सपीरियंस अञा ताईं असांजे इंस्टीट्यूशन्स ऐं अवाम इहो एक्सपीरियंस न कयो आहे। ऐं हिन वक़्तु इलेक्शन कराइण जो मक़सदु पंजाब में के पी में इहो हूंदो की तयात हमेशह लाइ इलेक्शन पंज इहो ॿ टे महीना पहिरियों थी थी नेशनल असेंबली खां, त इहा डायनेमिक्स चेंज थी वेंदा ऑब्वियसली। पोइ हमेशह इहो थींदो की पंजाब जी इलेक्शन पहिरियों खटियूं, जीअं असां नेशनल असेंबली में जेको नेक्स्ट जनरल इलेक्शन मुल्क जी अचण वारी आहे उन ते असरअंदाज थी सघूं, जेका ॿिनि टिनि महीननि जे गैप में थींदी। त हिकिड़ी पूरो हिकिड़ो चेंज ईंदो इलेक्शन डायनेमिक्स में, त उनजी वजह। लेकिन कानून में इहा गुंजाइश आहे, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी गुंजाइश आहे, कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी डिसॉल्यूशन जी इजाज़त ॾिए थो, एंड जेको इलेक्शन एक्ट आहे 2017 जो उहो बि जल्दी डिसॉल्यूशन जी इजाज़त ॾिए थो। त इहो अगरि थियो त मुल्क में पहिरियों दफ़ो हूंदो, पहिरियों दफ़ो एक्सपीरियंस ईंदो। बस ज़ाहिर इहो ई लॻे थो जेका पाकिस्तान जा हालात आहिनि, जीअं इलेक्शन हिते मैनेजमेंट उहे थींदियूं आहिनि, कि अगरि पंजाब जी इलेक्शन कोई पहिरियों खटे थो उहो हर शइ ते असरअंदाज़ थींदो। ठीकु आहे, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन खे अॻिते।